सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास कुछ कॉस्ट एलिमेंट फिक्स होता है और कुछ एलिमेंट उसका क्या होता है वेरिएबल, मतलब ये कम्बिनेशन है बोथ एलिमेंट्स का, तो इसमें दो एलिमेंट्स है, एक फिक्स पोर्शन है और एक आपके पास एलिमेंट जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है। मतलब क्या है, आपको कुछ अमाउंट एक कम से कम या मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी है, प्लस उसके साथ साथ आपको क्या पे करना है, एक वेरिएबल कॉस्ट भी पे करनी है। मतलब क्या है, आपके पास मीटर रेंट है फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई यूनिट भी इस्तेमाल नहीं करते फिर भी आपको $100 पे करने हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि जितने ज़्यादा यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन ये अमाउंट आपको मिनिमम 100 पे करने ही करनी है। इवन आपकी कोई यूनिट जो है वो आप कंज्यूम नहीं कर रहे, तो कोई एक्टिविटी नहीं भी हो रही फिर भी आपको एक स्पेसिफिक या मिनिमम या कम से कम अमाउंट पे करनी है। उसके बाद क्या है कि जितना ज़्यादा यूजेज होगा उसके मुताबिक आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी हो सकते हैं, तो जैसे जैसे वो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी वो आपको बढ़ उसमें इंक्रीज भी होता जाएगा, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट भी आपको पे करनी है जो कि फिक्स पोर्शन है। तो ये कम्बिनेशन है, फिक्स पोर्शन भी है इसमें, ये फिक्स एलिमेंट भी है, प्लस इसके अंदर जो है वो वेरिएबल एलिमेंट भी है, तो ये कम्बिनेशन है बोथ एलिमेंट्स का, फिक्स प्लस वेरिएबल का, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट।